एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। गाइस कैसे हो आप सब? गाइस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ग्लिसरीन के कुछ वंडरफुल हैक्स जो कि आपकी स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए और भी ज्यादा वंडरफुल हो सकते हैं। तो गाइस मेरे हाथ में आप देख रहे हो ग्रेजिया आपकी ग्लिसरीन जो की 200 ग्राम की है। ये वेजिटेबल ग्लिसरीन है, आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हो, मल्टीपर्पज इसको यूज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, देखते हैं ये हैक्स कैसे बनाने हैं, कैसे हमने इनको फॉलो करना है। लेकिन चैनल पर नए हो तो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन छोटू सा है उसको प्रेस करने से आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। और एक बात गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मौलिक ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स, तो वहां पर भी मुझे ज्यादा से ज्यादा फॉलो करो। ग्लिसरीन को गाइस हम एज अ क्लींजर भी यूज कर सकते हैं। इस क्लींजर को बनाने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना यहाँ पर ग्रेजिया आपका ग्लिसरीन लेना है। ग्रेजिया आपका ग्लिसरीन काफी अच्छा है, इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये ग्लिसरीन लेना है, इतनी क्वांटिटी में जस्ट, क्योंकि हम इसका क्लींजर रेडी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने इसमें ऐड करना है रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। कच्चा दूध लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, आपकी स्किन के लिए एक माइल्ड क्लींजर का काम करता है। स्किन पर जितनी भी डर्ट इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करता है, स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। तो ग्लिसरीन के अंदर हमने 1 स्पून ये कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क ऐड करना है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड करना है गाइस लेमन जूस। लेमन जूस जो है ना ये विटामिन सी से भरपूर होता है, और जब ये ग्लिसरीन और मिल्क के अंदर मिक्स होता है तो ये बहुत ही माइल्ड सा क्लींजर बन जाता है जो कि आपकी स्किन की डर्ट एंड इम्प्योरिटीज को हटाने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो हमने यहाँ पर 1/2 चम्मच की क्वांटिटी में लेमन जूस लेना है। मिक्स कर रही हूँ मैं साथ साथ, देख रहे हो आप कि कैसे ये जो दूध के अंदर गया है तो ये दूध फट गया है, और ग्लिसरीन है इसके अंदर, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा अच्छे से क्लीन होगी, डर्ट फ्री होगी। नेक्स्ट हमने जो है ना इसके अंदर ऐड करना है नीम की जो ये क्रश जो होती है लीव्स, इसको यूज करना है। यानी कि ड्राई लीव्स का पाउडर यूज कर सकते हो आप, या इस तरह से आपने जो नीम के पत्तों को सुखा कर क्रश किया होता है ना उस तरह से आप इसको ले सकते हो। बस इसको आपने इतनी क्वांटिटी में डालना है, और इसकी जगह पे आप ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो अब हमने इनको अच्छे से मिक्स कर देना है, और हमारा ये ग्लिसरीन का हैक नंबर 1 जो है ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये है क्लींजर। आप क्लींजर को जो है ना दिन में 2 बार यूज कर सकते हो, एक बार मॉर्निंग में जब अपने फेस को वॉश करते हो, ठीक है, और एक बार रात को सोने से पहले इस क्लींजर से अपने फेस की अच्छे से क्लीनिंग कीजिए। आपकी स्किन जो है ना बहुत ही ज्यादा डर्ट फ्री होगी, बहुत ही ज्यादा क्लीन लगेगी, और आपकी स्किन पर जितने भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब निकल जाएंगी और स्किन बहुत ही हेल्दी हो जाएगी। ग्लिसरीन से आप घर पर बहुत आसानी से जो है ना स्क्रब भी तैयार कर सकते हो, और स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर शुगर यानी कि चीनी के दाने। चीनी जो है ना ये एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, स्किन को नरिश करती है, स्किन को ग्लोइंग बनाती है। और इसके अंदर हमने यहाँ पर ऐड करना है थोड़ा सा हनी। हनी जो है ये आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और नेक्स्ट जो है इस वीडियो का, इस सारे हैक्स का मेन इन्ग्रीडियंट जो है ग्लिसरीन, ग्रेजिया आपका ग्लिसरीन आपने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करना है, ठीक है। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने ये लिया है, और बस और कुछ नहीं करना, आपने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने ये अपना माइल्ड सा जो है ना स्क्रब रेडी करना है, ये एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टीज से भरपूर होगा, ये आपकी स्किन को नरिश करेगा, हेल्दी बनाएगा, स्किन की डेड लेयर को हटाएगा, और स्किन जो है ना आपकी एकदम से रिपेयर होगी, स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्लोइंग भी होगी। आपने जो है क्लींजर यूज़ करना है, और उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया सा जो स्क्रब हमारा रेडी हुआ है ना इसको आपने अपने फेस पर लगाकर अच्छे से मसाज देनी है। मसाज करनी है आपने कम से कम 1 से 2 मिनट तक, और फिर आपने नॉर्मल पानी से स्किन को वॉश करना है। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी, एक्सफोलिएट होगी, रिपेयर होगी, आपकी स्किन के पोर्स में जो डर्ट वगैरह फंस जाती है वो पोर्स से डर्ट सारी निकल जाएगी और स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगी। ग्लिसरीन से गाइस आप घर पर जो है ना स्किन टोनर भी बना सकते हो, अपनी स्किन को अच्छे से इवन करने के लिए, टोन करने के लिए। तो इसको बनाने के लिए हमने जो है ग्लिसरीन लेना है, ठीक है, कम से कम 1 स्पून यहाँ पर मैं ग्लिसरीन का ले रही हूँ। और आपने अब इसके अंदर जो है ना रोज वाटर ऐड करना है। ये देखिए जितना आपने ग्लिसरीन डाला है उससे डबल आपने यहाँ पर रोज वाटर ऐड करना है, और दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर देना है।
होममेड रोज वाटर मैंने इसमें ऐड किया है। ये बहुत ही अच्छा हमारा DIY जो टोनर है ना वो बनकर तैयार हो गया है। इस टोनर के आगे मार्केट के सारे टोनर फेल हो जाते हैं, आपको पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है मार्केट वाले टोनर पर, तो आप ये घर पर आसानी से टोनर बनाइए। ये टोनर आपके जो पोर्स है उनको मिनिमाइज करेगा, स्किन को टाइट करेगा, हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, क्योंकि ग्लिसरीन है तो ये ग्लिसरीन जो है ना ये आपकी स्किन की ड्राइनेस को दूर करने में और स्किन को हाइड्रेट रखने में, ब्राइटन करने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो आप इसको किसी भी छोटी सी बॉटल में स्टोर करके रख सकते हो। मैं इस बॉटल के अंदर इसको डाल लेती हूँ। ये DIY टोनर हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपने अपनी क्लीन फेस पर जो है ना ये टोनर स्प्रे बॉटल में डाला है तो स्प्रे मार लीजिए, या फिर पंप स्टाइल में बॉटल है तो आप इसको कॉटन पर लेकर अपने स्किन पर डैप डैप कीजिए। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील करेगी, बड़ी ज़्यादा फ्रेश फील करेगी, हाइड्रेट फील करेगी। तो कितना आसान है इसको बनाना और इस्तेमाल करना। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बना रही हूँ DIY फेस मास्क जो कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए। गाइस इसको बनाने के लिए मैंने हाफ स्पून जो है ना रोज पेटल पाउडर लिया है। रोज पेटल पाउडर जो है आपकी स्किन को रोज की तरह निखारता है और इसमें जब हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट यानी कि ग्लिसरीन को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है ना सोने पे सुहागे जैसा हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर डाला है ग्राजिया आपका ग्लिसरीन। ग्राजिया आपका जो ग्लिसरीन है ना गाइस काफी अच्छा है ये, इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। खास बात इसकी ये है कि प्योर वेजिटेरियन है ये गाइस, आप इसको कंज्यूम भी कर सकते हैं और अपनी स्किन को निखारने के लिए अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2-3 ड्रॉप जो है ना ग्राजी आपके ग्लिसरीन की डाली है। तो अब हमने नेक्स्ट यहाँ पर ऐड करना है थोड़ा सा यहाँ पर हनी। हनी जो है मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर है और ये हमारी स्किन को स्पेशली ब्राइटन करने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो कम से कम बस आपने 2 ड्रॉप्स ही यहाँ पर ऐड करनी है। ये जो फेस मास्क हमारा रेडी हो रहा है ये आपकी लूज स्किन के लिए है, क्योंकि जो ग्लिसरीन होता है ये आपकी लूज स्किन को टाइट करने के लिए, ब्राइटन करने के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। आपकी स्किन पर जो एजिंग के साइंस हैं उनको कम करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर ऐड करना है टोमेटो जूस। टोमेटो जूस जो है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर है तो इसलिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि ये जो पैक हमारा रेडी होगा ये जो है ना आपकी एजिंग प्रॉब्लम्स को, एजिंग साइंस को जो है ना कम करे, रिड्यूस करे और आपकी स्किन को एकदम से हेल्दी बनाए, ब्राइटन करे। आपकी चाहे फेस की स्किन हो, नेक की स्किन हो, वहां पर जब आप इसको लगाएंगे अच्छे से मसाज देंगे ना तो आपकी स्किन टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। रेगुलर इस्तेमाल से आपको इसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपने अपनी क्लीन फेस पर, क्लीन नेक पर इसको अप्लाई करना है और 15 मिनट तक इसको लगाकर छोड़ देना है। फिर जब स्किन को वॉश करेंगे ठंडे ठंडे पानी से तो स्किन बहुत ज्यादा हेल्दी फील होगी, आपको बहुत ही ज्यादा नरिश लगेगी आपको। गाइज आप इस ग्राजिया आपकी ग्लिसरीन को ना एज अ मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो। ये हैक बहुत ही जबरदस्त है और मॉइस्चराइजर जब आप घर पर रेडी करते हो तो आपको जो है ना बड़ा अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। स्पेशली ये जो ग्लिसरीन है ना ये क्वालिटी अच्छी का है, तो इसलिए इसके साथ अगर आप मॉइस्चराइजर रेडी करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मॉइस्चराइजर बनाने के लिए हमें जो है ना ग्लिसरीन चाहिए और साथ में हमें यहाँ पर चाहिए लेमन जूस। लेमन जूस बस हमें थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए, आधा चम्मच के करीब मैंने लेमन जूस लिया है यहाँ पर और हमने इसमें थोड़ी सी ही क्वांटिटी में ये देखिए कम से कम 4-5 ड्रॉप्स ग्लिसरीन की ऐड करनी है। और नेक्स्ट इसके अंदर हमने ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है, स्किन को हेल्दी बनाता है, नरिश करता है, सॉफ्ट करता है और स्पेशली ये स्किन ब्राइटनिंग मॉइस्चराइजर रेडी हो रहा है तो इससे आपकी स्किन ब्राइटन होगी, आपकी स्किन पर जितने भी डेड लेयर्स हैं वो कम होने लगेगी, स्किन बहुत अच्छे से हेल्दी एंड नरिश होगी। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गाइज जब आप इसको लगातार मिक्स करते रहोगे तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थोड़ी सी थिक हो जाएगी, जेली कंसिस्टेंसी हो जाएगी पूरी, क्योंकि एलोवेरा जेल ऐड किया है। ये देखिए पहले ये थोड़ा लिक्विड था तो अब ये थोड़ा सा थिक हुआ है और हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी का ये मॉइस्चराइजर चाहिए। बस आपने ये थोड़ा सा लेना है अपने फेस पर जो है डॉट डॉट करके लगाइए, अच्छे से स्किन पर रब कीजिए, बड़ी इजीली स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा और स्किन को एकदम से हेल्दी बनाएगा, स्किन की ड्राइनेस को दूर करेगा, सॉफ्ट बनाएगा स्किन को, स्किन को नरिश करेगा। सो गाइज आई होप आपको आज का ये ग्लिसरीन हैक्स वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। पसंद आया है वीडियो तो लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और अगर आप इस ग्राजिया आपकी ग्लिसरीन को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, वहां से चेकआउट कीजिए और वहां से इसको ऑर्डर कर लीजिए। मिलूंगी आपको अनदर फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।